जय हिंद स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पढ़ाई पर। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो सिनोनिम्स का जो चल रहा था वह आ चुका है दोस्तों। तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अनेक्स। अनेक्स का दोस्तों आप लोग को सिनोनिम्स फाइंड करना है। ए ऑप्शन है ऐड, जिसका मींस होता है जोड़ना। बी ऑप्शन है लो, जिसका मींस होता है कम। सी ऑप्शन है कॉपी, जिसका मींस होता है नकल। ऑप्शन इनिशियल, जिसका मींस होता है प्रारंभिक। तो दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए ऐड सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है दोस्तों, वैसिलेट का सिनोनिम्स आपको इसमें फाइंड करना है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है अधेर, जिसका मीन्स होता है पालन करना। बी ऑप्शन है थैंकफुल, जिसका मीन्स होता है शुक्रगुजर। सी ऑप्शन है फ्लैक्चुएट, जिसका मीन्स होता है उतार चढ़ाव। या डी ऑप्शन है डेलिकेट, जिसका मीन्स होता है नाजुक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लैक्चुएट, जिसका मीन्स होता है उतार चढ़ाव, वो सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। यहाँ पर दोस्तों आपसे चेरिस, चेरिस का सिनोनिम्स फाइंड करना है आपको। ए ऑप्शन है एक्यूस, जिसका मीन्स होता है आरोप। बी ऑप्शन है फ्लैटर, जिसका मीन्स होता है चापलूसी करना। सी ऑप्शन है वैल्यू, जिसका मीन्स होता है मूल। या डी ऑप्शन है एप्रिसिएट, जिसका मीन्स होता है सराहना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वैल्यू सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अबैंडन का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है एडमिट, जिसका मीन्स होता है स्वीकार करना। बी ऑप्शन है रिफ्रेन, जिसका मीन्स होता है बचना। सी ऑप्शन है अबस्टेन, जिसका मीन्स होता है बचना। और डी ऑप्शन है फोरसेक, जिसका मीन्स होता है त्यागना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी फोरसेक सही हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर बता देते हैं कि दोस्तों ये अबस्टेन मीन्स बचना, किससे बचना, आप लोग शराब या अल्कोहल से बचना। तो आप लोग अबस्टेन का यूज करना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है 5 में, क्लमजी, क्लमजी का आपका सिनोनिम्स फाइंड करना है। तो ये ऑप्शन एड्रॉइट, जिसका मीन्स होता है निपुण। बी ऑप्शन है डेक्सटीरियस, जिसका मीन्स होता है निपुण। सी ऑप्शन है रफ, जिसका मीन्स होता है अशब। या डी ऑप्शन है अनग्रेसफुल, जिसका मीन्स होता है नमक हराम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी अनग्रेसफुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो क्या कहता क्वेश्चन 6, ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू का आपको सिनोनिम्स फाइंड करना है। ए ऑप्शन डिस्टोर्टेड, जिसका मीन्स होता है विकृत। बी ऑप्शन है लिटरल, जिसका मीन्स होता है शाब्दिक। सी ऑप्शन सॉलिड, जिसका मीन्स होता है ठोस। डी ऑप्शन फैंटास्टिक, जिसका मीन्स होता है असमान। दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए डिस्टोर्टेड सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अमेलियोरेट का सिनोनिम्स फाइंड करना है। ए ऑप्शन है एग्री, जिसका मीन्स होता है सहमत होना। बी ऑप्शन है रिस्टोर, जिसका मीन्स होता है पुनर्स्थापित करना। सी ऑप्शन है डैमेज, जिसका मीन्स होता है ख़राब करना। डी ऑप्शन है इम्प्रूव, जिसका मीन्स होता है सुधारना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 8, कॉम्प्रीहेंड, आपको दोस्तों कॉम्प्रीहेंड का सिनोनिम्स फाइंड करना है। यहाँ पर ए ऑप्शन है एग्री,
जिसका मीन्स होता है सहमत होना। बी ऑप्शन है रिप्राइव, जिसका मीन्स होता है दंड विराम। सी ऑप्शन है सेटल, जिसका मीन्स होता है बस ना। और डी ऑप्शन है अंडरस्टैंड, जिसका मीन्स होता है समझ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी अंडरस्टैंड सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो आपको एलिगेंस एलिगेंस का आपको सिनोनिम्स फाइंड करना है। यहाँ पर ए ऑप्शन है लॉयल्टी, जिसका मीन्स होता है वफादारी। बी ऑप्शन है अलाउंस, जिसका मीन्स होता है भत्ता। सी ऑप्शन है कंटिन्यूड सपोर्ट, जिसका मीन्स होता है सतत सहयोग। डी ऑप्शन है एलियंस, जिसका मीन्स होता है संधि। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर लॉयल्टी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। अपार्टमेंट अपार्टमेंट का यहाँ पर दोस्तों आपको सिनोनिम्स फाइंड करना है। ए ऑप्शन अलॉटमेंट, जिसका मीन्स होता है आवंटन। बी ऑप्शन है ब्रेक, जिसका मीन्स होता है टूटना। सी ऑप्शन है एक्यूमुलेट, जिसका मीन्स होता है संचय करना। डी ऑप्शन है इंडिफरेंट, जिसका मीन्स होता है उदासीन। दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए अलॉटमेंट सही हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।